अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अभी जो है ट्रांसफार्मर की टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल था, उसको हम करते हैं। इफ़ अ ट्रांसफार्मर, लाइक लेट्स से यहाँ पर ही सॉल्व करें। इफ़ अ ट्रांसफार्मर यूज टू सप्लाई वोल्टेज टू अ 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन विच ड्रॉज अ करेंट ऑफ दिस, कैलकुलेट द करेंट इन प्राइमरी इफ द वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज 240 वोल्ट। अब देखिए, इसको अब हम यहाँ से यूँ समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके पास प्राइमरी है और ये आपके पास है सेकेंडरी। तो वोल्टेज एट द सेकेंडरी आपको कितनी चाहिए? 12 वोल्ट, ठीक है, डीसी है, 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन है। और ये 12 वोल्ट है और ये जो यहाँ से ये ट्रेन वो हम इस तरीके से लोड की तरह क्लोज सर्किट करके बताएंगे, तो ये इसमें से गुजरेगा और ये जो करंट है वो बेसिकली हमारे पास 0.8 एम्पेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। और सेकेंडरी पे आपके पास जो एसी सोर्स है, तो वोल्टेज एट सेकेंडरी कितना दिया हुआ है आपके पास? वोल्टेज एट सेकेंडरी जो है वो 240 वोल्ट्स। तो अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी। अच्छा जी, करंट इन द प्राइमरी, लेट्स से प्राइमरी के अंदर करंट निकालना है, करंट इन द प्राइमरी। तो हम ये कहते हैं कि या यूं करके बना लें, जैसे भी आपने बनाना है इसकी डायरेक्शन। एक सेकेंड, सॉरी, अभी तो इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, राइट। लेट्स से मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, राइट। तो क्योंकि हमें पता है कि सिंस वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एन एस अपॉन एन पी, डायरेक्टली रिलेशनशिप है, इज इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस, ठीक है। तो हम यही वाला रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। वी एस हमारे पास 240 गिवन है, वी पी आपके पास, ओ सेकेंड, ये वी पी है, वी पी, वी एस आपके पास कितनी दी हुई है? 12, ये हो गई 12 जनाब, और ये आपके पास हो गया 240। और आई पी आपके पास कितना है वो निकालना है, और आई एस की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.8। तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, आई पी इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय 0.04 एम्पेयर्स प्राइमरी के अंदर। बहुत कम करंट है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे करंट 0.04 है और यहाँ पे करंट है 0.8। तो जब आप बेसिकली ये क्यों करते हैं, जब आप करंट हमेशा, जब भी कोशिश करें कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो करंट की वैल्यू को कम से कम करें, क्योंकि अगर करंट की वैल्यू कम से कम होगी, देखें मैं इसको लिख देता हूँ एक दफ़ा पे, जब आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर को क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है, राइट, ठीक है। लेट्स से अभी हम इसको पढ़ते हैं, ट्रांसफ़र करना है, तो आप वोल्टेज की वैल्यू को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। करंट की वैल्यू कम हो जाती है, जब करंट की वैल्यू कम होती है तो कंडक्टर का जो साइज़ है या केबल का साइज़ है वो कम हो जाता है और कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से हम हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिशन करते हैं, हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। क्यों हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होता है? क्योंकि करंट कम होगा, कंडक्टर का साइज कम लगेगा, कंडक्टर बहुत महंगा होता है, कॉपर बहुत महंगा है, तो कॉस्ट भी कम होगा। तो इसलिए अगर आपको लाइक लेट से कराची से आपने हैदराबाद, लाइक लेट से कराची में पावर प्लांट है
और हैदराबाद में आपको ट्रांसफ़र करना है, तो आप ट्रांसफार्मर को यूज़ करेंगे, या इवन आप इंटरसिटी भी ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, सिटी के अंदर भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं ताकि लॉन्ग डिस्टेंस पे। लेकिन अगर एक घर की या कॉलोनी के अंदर पहुंच जाएंगे तो आप वहां पर एक ट्रांसफार्मर PMT लगा हुआ होता है तो वो रिड्यूस कर देगा वोल्टेज को जो हमारे घर के लिए यूज़ होती है। अभी हम ट्रांसमिशन अभी हम थोड़ी देर में ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर चेक करते हैं क्या है, 0.04 एम्पीयर्स, ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। अब ये टॉपिक आया हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पावर इज यूजली जनरेटेड एट प्लेसेस विच आर फार फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट इज कंज्यूम, सही है, ये बात भी समझ में आती है। द पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एज हीट डिसिपेटेड इन द ट्रांसमिशन ऑफ केबल रेजिस्टेंस, हेंस बाय रिड्यूसिंग थ्रू द केबल पावर लॉस इन डिसिपेशन कैन ऑल्सो बी यूज, सो द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज स्टेप डाउन। इफ इट इज देन ट्रांसमिटेड टू द मेन सब स्टेशन द वोल्टेज इज स्टेप डाउन एंड ट्रांसमिटेड टू द स्विचिंग ट्रांसफार्मर स्टेशन एज द सिटी स्कीमेटिक। तो वही बात है कि पावर तो आपके पास कॉन्स्टेंट होती है जो हमने समझाया। वोल्टेज अगर बढ़ा देंगे तो करेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। जब करेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो जब लो करेंट है, करेंट कम है, तो आपको एक तो केबल का साइज जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है, एक तो केबल का साइज रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। केबल का साइज रिड्यूस होने से क्या होता है कि कॉस्ट केबल की जो है ना बहुत महंगी होती है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको केबल की लेइंग का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। अब एक और भी बात यह है कि जब करंट की वैल्यू कम होती है तो हीट डिसिपेटेड I²R, ठीक है, I²R हीट डिसिपेटेड I²R(T), राइट। तो ये जो है रिड्यूस हो जाता है, ये हीट लॉसेस है, क्योंकि अगर करंट होता है ना, जो करंट किसी कंडक्टर से गुजर रहा होता है तो उसमें से हीट लॉस भी होता है। अब आपकी पावर है, आपको दूर ट्रांसफर करना है, और उसमें से काफी ज्यादा अगर हीट लॉस हो जाए तो आपका फायदा क्या है, आपका नुकसान है, समझिए बात। तो इसीलिए हाई वोल्टेज पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे होते हैं ताकि करंट कम यूज हो। जब करंट कम यूज होगा, केबल साइज कम होगी, कॉस्ट कम होगा, करंट कम होने की वजह से I²RT लॉसेस कम होंगे, तो जिसकी वजह से आपकी पावर जो है जिस एंड पे आपको रिक्वायर्ड है उस एंड पे प्रॉपर, यानी जितनी पावर आपको रिक्वायर्ड थी वो रिड्यूस हुए बगैर, ज़्यादा रिड्यूस हुए बगैर मिल जाएगी। अगर इसके अलावा अगर सेम वोल्टेज पे कर दें तो इंतहाई महंगी कॉस्ट हो जाती है, इंतहाई महंगी कॉस्ट। तो अब बेसिकली यहाँ पे ये एक्सप्लेन करें, लाइक ये देखिए, ये पावर स्टेशन है जहाँ पे पावर बिजली बन रही है। अब इसके हमें डेप्थ में नहीं जाना, 11 केवी की बिजली बनी, ग्रिड स्टेशन में आई और फिर यहाँ से स्टेप अप हुई। ये देखें, ये स्टेप अप हुआ, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप अप 11 किलो वोल्ट, यानी प्राइमरी के ऊपर इन्होंने जो है ये प्राइमरी पे 11 किलो वोल्ट दिया और यहाँ पे सेकेंडरी के ऊपर 132 किलो वोल्ट। अब ये आया ग्रिड लाइन से, अब ग्रिड लाइन से यहाँ पे आया, ये ग्रिड सब स्टेशन हो गया, ठीक है। ये ग्रिड सब स्टेशन जो है पावर स्टेशन के पास ही है, ठीक है, और ये दूर होते हैं, पावर प्लांट्स बेसिकली दूर होते हैं। फिर ये इस तरीके से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे मेन सब स्टेशन पे आई, ये शहर के पास आ गया। मेन सब स्टेशन शहर के पास आने के बाद साइट एरिया पे जो जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं उधर 33 किलो वोल्ट ट्रांसफ़र कर दिया। फिर ये इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे आया 33। तो देखिए, ठीक है, तो 33 किलो वोल्ट है, फिर इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे आया, फिर इसने लाइट 11 किलो वोल्ट पे कर दिया और 220 वोल्ट जो आपके घरों में यूज होती होते सिटी सिटी सब स्टेशन, ये देख रहे हैं सिटी सब स्टेशन। तो बेसिकली हो गया पावर स्टेशन, ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट, ठीक है। सबसे पहले तो हो गया पावर स्टेशन,
जहाँ पे आपकी बिजली बन रही होती है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब किसी तरीके से भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट होता है, फिर थर्मल पावर प्लांट होता है, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, तो इधर से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और ये शहर से काफ़ी दूर होता है, ठीक है, ये पावर प्लांट है, इसको हम कहते हैं कि ग्रिड सबस्टेशन। एक सेकेंड, ये हो गया ग्रिड सबस्टेशन, ये हो गया ग्रिड सबस्टेशन, और फिर यहाँ से जाएगा आपके पास ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ग्रिड सबस्टेशन पे आपने कितने की पावर बनाई, ये देखें 11 किलो वोल्ट, तो आपने 11 किलो वोल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस की और फिर इसको स्टेप अप किया ट्रांसफार्मर के ज़रिए 33 किलो वोल्ट पे, ठीक है, 33 किलो वोल्ट, नहीं सॉरी 132, 132 किलो वोल्ट, और फिर इसको ट्रांसमिट किया, ठीक है, ये ट्रांसमिट होते गए होते गए होते गए और फिर ये शहर के पास आ गए। अब शहर में आपने इसको स्टेप डाउन करना है, 132 किलो वोल्ट से आपने स्टेप डाउन किया इसको, थर्टी थ्री किलो वोल्ट पे, यानी आपने 11 किलो वोल्ट पे प्रोडक्शन की, 11 किलो वोल्ट पे 132 स्टेप अप किया, ट्रांसफ़र किया 132 से, ये जो है ये कौन सा, शहर के पास, शहर के पास सबस्टेशन को क्या कहा है इन्होंने, मेन सबस्टेशन, मेन एसएस स्टेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आया आपके पास इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट सबस्टेशन हो गया, राइट, इसके अंदर क्या हो रहा है, 33 से 11, 33 किलोवाट से 11 किलोवाट, यानी स्टेप यहाँ पे भी स्टेप डाउन हुआ और इधर भी स्टेप डाउन हुआ। अब यहाँ से आपके घरों को जाता है जो पीएमटी पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली लाइक लेट्स से 11 किलोवोल्ट से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं 380 वोल्ट्स पे, थ्री फेज पे, और ये फिर 220 वोल्ट्स पे भी जाता है जो आपके घरों पे, और फिर यहीं से आपके पास इंटरमीडिएट सबस्टेशन, ये हाउसिंग हो गया, ठीक है, और फिर यहीं से आपके पास जो है एक लेके जाते हैं लाइट इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज में 11 किलो वोल्ट भी दे देते हैं, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज जो है, यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज भी हैं जिनको आपने चाहिए 33 किलो वोल्ट, तो यहाँ से आपने हैवी इंडस्ट्रीज टू हैवी इंडस्ट्री। कहने का मकसद क्या है कि प्रोडक्शन दूर हो रही है, 11 किलो वोल्ट पे स्टेप अप किया, स्टेप अप करके ट्रांसफ़र किया ज़्यादा, क्योंकि वोल्टेज हाई होगी, करंट कम होगा, करंट कम होगा, केबल कम चाहिए, लॉसेस कम होंगे, तो अच्छी खासी पावर आपकी यहाँ तक पहुँच जाएगी मेन सबस्टेशन तक। फिर मेन सबस्टेशन में जो कि सिटी के करीब है, उधर से आपने हैवी इंडस्ट्रीज़ को दे दिया 33 किलो वोल्ट, फिर इंटरमीडिएट सबस्टेशन आ गया, और यहाँ से आपके पास दो जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है, लाइट इंडस्ट्रीज़ जो कि हल्की इंडस्ट्रीज़ हैं, 11 किलो वोल्ट चाहिए उनको, और फिर एक सिट हाउसिंग के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। होप सो ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया। अब लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, एंड देन वी विल बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर इंशाल्लाह।